जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, GDS साइकिल 5 रिजल्ट जारी हो चुका है और पहली लिस्ट आपको दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश सर्किल की। तो दोस्तों इस बार उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा वैकेंसीज थी और आप पहली लिस्ट का देख सकते हो 100% आपको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये देख लीजिए 100% वाले स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। बाकी आप कहीं पर भी देख सकते हो क्या हाल हुआ है। ये उत्तर प्रदेश की मैं बता रहा हूँ आपको, आप देखना सब नीचे की साइड में आपको ले जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, टोटल उत्तर प्रदेश से 7985 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। आप चाहे कोई सा भी देख लीजिए, 95 से नीचे तो है ही नहीं, बाकी 95 से ऊपर ही है। ये उत्तर प्रदेश सर्किल का हाल है दोस्तों, ठीक है। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है और जो मेहनती स्टूडेंट्स है उनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं यहाँ पर नहीं हुआ है। ये आपके सामने मध्य प्रदेश सर्किल की लिस्ट आ गई है। तो थोड़ा दोस्तों मध्य प्रदेश से कट ऑफ थोड़ा कम गया है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ कट ऑफ थोड़ा लो रहा है, 98। बाकी आप नीचे जब जाओगे तो इसमें कट ऑफ और भी कम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कट ऑफ मध्य प्रदेश का उतना हाई नहीं गया है। ये देखिए 97.4 SC पर हो गया है इस कैंडिडेट्स का। टोटल मैं आपको दिखा देता हूँ कितने कैंडिडेट्स को सिलेक्शन हुआ है, 1835 का सिलेक्शन हुआ है मध्य प्रदेश से। बाकी मध्य प्रदेश से देख सकते हो दोस्तों 91 पर भी यहाँ पर जो है सिलेक्शन हुआ है, ST कैटेगरी की महिला है ये। तो मध्य प्रदेश का उतना ज़्यादा ऐसा है नहीं। ये देखिए आप इधर 90 पर भी कहीं ना कहीं हुआ है ST कैटेगरी। तो मध्य प्रदेश को लेकर ज़्यादा चिंतित ना हो, क्योंकि मध्य प्रदेश की कट ऑफ इतनी हाई नहीं गई है। ये आपके सामने हरियाणा सर्किल की लिस्ट आ गई है। तो दोस्तों हरियाणा से भी वही हाल हुआ है, आप देख पा रहे होंगे 100% पर कहीं ना कहीं बच्चों ने अपनी दावेदारी निभाई है। तो आप देख पा रहे होंगे कितनी खतरनाक कट ऑफ गई है। ये हरियाणा का हाल है दोस्तों, 100% बनाकर बैठे हैं स्टूडेंट्स, क्या हाल हुआ है। हरियाणा की ये सर्किल है, ठीक है। हरियाणा से बहुत ज़्यादा भाई साहब खतरनाक कट ऑफ गया है। मुझे तो लगता है ये हरियाणा में ही कोरोना आया था और हरियाणा में ही कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रमोट हुए थे। हरियाणा की सबसे खतरनाक कट ऑफ गया है। टोटल आपको मैं बता देता हूँ, 354 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है और आप देख पा रहे होंगे, चाहे आप ऊपर देख लीजिए चाहे आप सबसे नीचे देख लीजिए, हरियाणा राज्य की कट ऑफ बहुत ही खतरनाक गया है मेरे भाई। सबसे बड़ा दुख तो मुझे हरियाणा की कट ऑफ को देखकर हुआ है दोस्तों। ये आपके सामने दिल्ली की कट ऑफ है। दिल्ली से मैंने पहले ही कहा था कि वैकेंसीज बहुत कम है, तो यहाँ पर 95+ का ही सिलेक्शन होगा, ठीक है। दिल्ली से तो वैसे भी बहुत कम वैकेंसियाँ थी, 46 के करीब, और यहाँ पर ST कैंडिडेट है एक जिसका 95 पर सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। ये पुरुष अभ्यर्थी है, हरीश सिंह मीना नाम है इसका। बाकी इसका सिलेक्शन हो गया है दिल्ली से 95 पर। जैसा कि दोस्तों छत्तीसगढ़ को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी भरोसा जता रहे थे और इस बार छत्तीसगढ़ में जाकर सबसे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई किया था, वो भी बस्तर से। लेकिन जब छत्तीसगढ़ की आप लिस्ट देखोगे तो आंखें फटी की फटी आपकी रह जाएंगी। देख लीजिए 100% वालों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। ये छत्तीसगढ़ की कट ऑफ है। बाकी दोस्तों मुझे तो यहाँ पर कट ऑफ कम नज़र नहीं आ रहा है, 98। बिल्कुल छत्तीसगढ़ से भी बहुत ज़्यादा कट ऑफ गया है। टोटल 1590 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है और आप देख पा रहे होंगे इधर ये ST का है, महिला अभ्यर्थी है, 96 पर इसका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हुआ है। तो छत्तीसगढ़ से भी थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा ही गया है। बाकी आप PWD का देखो तो PWD की तो कट ऑफ कम ही गई है। बाकी छत्तीसगढ़ से भी दोस्तों 90+ कट ऑफ रहा है। इधर आप देख लीजिए यहाँ पर EWS का 93 पर हो गया है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ से भी ठीक ठाक कट ऑफ गया है वैसे। ये आपके सामने बिहार राज्य की जो है आ गई है लिस्ट, और बिहार से भी कट ऑफ थोड़ा हाई गया है, 100% आपको दिखाई देगा। आप कैसे भी इसको चेक कर लीजिए, ज़्यादातर 95+ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो बिहार से भी थोड़ा ठीक ठाक कट ऑफ गया है, 1458 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है और आप देख पा रहे होंगे 98+ वालों का सिलेक्शन यहाँ पर हुआ है। बिहार राज्य से भी अच्छी खासी कट ऑफ गया है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश को लेकर भी बड़ा चर्चा का विषय बन रहा था कि इस बार हिमाचल प्रदेश से कट ऑफ जाएगा, लेकिन आपके सामने हिमाचल प्रदेश की पहली लिस्ट है GDS की। इधर देखिए 98, 100% वालों का कहीं ना कहीं हिमाचल में सिलेक्शन हुआ है। तो
देखिए आप पूरी लिस्ट चेक कर सकते हो। और हिमाचल से आपको मैं बता दूं टोटल 601 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, वो भी 95। देख लीजिए बिल्कुल आपके सामने है, आप टेलीग्राम चैनल से सभी राज्यों की पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, वहाँ मालूम चल जाएगा। देखिए हिमाचल प्रदेश से क्या हाल हुआ है, आपको एक साथ 100% वालों का कहीं ना कहीं नंबर दिखाई देगा। ये हिमाचल प्रदेश का हाल है दोस्तों। ये आपके सामने झारखंड सर्किल की कट ऑफ है, तो झारखंड में आप देखिए 97.8 बाकी 100% वालों का कहीं ना कहीं सिलेक्शन हुआ है। तो झारखंड से थोड़ा कट ऑफ कम है दोस्तों, 97 पर हो गया है, 95-93 पर भी हुआ है, तो झारखंड में तो थोड़ा कट ऑफ गिर गया है। बाकी इधर आप देख पा रहे होंगे 93, ठीक है, नीचे आप थोड़ा हाई एफ जो है ज़्यादा कट ऑफ गया है, पीडब्ल्यूडी 91 पर हो गया है, इधर आप देखिए 92.2 पर एसटी का हो गया है। तो थोड़ा झारखंड से तो मामला ज़्यादा भारी नहीं लगता है। बाकी मैं बता देता हूँ टोटल झारखंड से कितना है, 1587 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। और आप देखिए यहाँ पर 91.2 पर भी झारखंड से फीमेल अभ्यर्थी का नंबर आ चुका है। चलिए दोस्तों नॉर्थ ईस्ट को भी देख लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट के बारे में बहुत सारे अभ्यर्थी कहते रहते हैं बहुत कम कट ऑफ जाएगा, लेकिन जब नॉर्थ ईस्ट की कट ऑफ आप देखोगे तो आँखें फट जाएंगी। देखिए भैया नॉर्थ ईस्ट की का क्या हाल हुआ है, 96+ यहाँ पर कट ऑफ रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट में भी कट ऑफ ठीक ठाक है दोस्तों। बाकी आप देख सकते हो एसटी एससी का कट ऑफ थोड़ा लो जाता है नॉर्थ ईस्ट से, 86 पर एसटी का हो गया है, ये पुरुष अभ्यर्थी है, इसको कहीं ना कहीं पहली लिस्ट में नंबर आ गया है। तो नॉर्थ ईस्ट में कट ऑफ डाउन जाता है एससी एसटी अभ्यर्थियों का, बाकी जनरल का कट ऑफ थोड़ा नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा जाता है, ये हमेशा रहता है दोस्तों। बाकी नॉर्थ ईस्ट की जो कट ऑफ है ना वो बहुत लो जाती है, ये पक्का है, आप देख लेना बहुत कम कट ऑफ जाएगी, 70 पर भी सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के सामने मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक पुरुष अभ्यर्थी है और ये एससी कैटेगरी का है, 54.4 पर सिलेक्शन हो गया है। तो नॉर्थ ईस्ट में दोस्तों कट ऑफ थोड़ा कम जाता है बजाय बाकी राज्यों के, ठीक है। ये राजस्थान राज्य की कट ऑफ है दोस्तों, और राजस्थान की कट ऑफ आप देख पा रहे होंगे इधर 100 पर सिलेक्शन हुआ है, बाकी राजस्थान की कट ऑफ 95 पर रहा है, बाकी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है ना उनकी कट ऑफ 80+ रही है, ठीक है। ये देखिए राजस्थान में क्या हाल हुआ है, एक साथ आपको दिखाई दे रहा होगा, अच्छे से देखना राजस्थान का ये हाल है दोस्तों, 100% वालों का कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया है। तो राजस्थान में भी कट ऑफ ठीक ठाक है, ठीक है, राजस्थान का भी कट ऑफ लो नहीं है। बाकी जिसके 95 थे उसका सिलेक्शन हो गया है राजस्थान से 95 है, ठीक है। बाकी जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी थे उनका तो 85 पर सिलेक्शन हो चुका है, तो राजस्थान का इतना ज़्यादा नहीं है, 100% वाले है लेकिन उतने नहीं है जितने बाकी राज्य के अभ्यर्थी में है, ठीक है। ये आपकी राजस्थान से है, राजस्थान से मैं एक बार टोटल आपको बता देता हूँ, टोटल राजस्थान से 1683 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों उत्तराखंड सर्किल की कट ऑफ है, और उत्तराखंड से इस बार बहुत ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हुआ क्योंकि उत्तराखंड की लोकल लैंग्वेज हिंदी है। बाकी दोस्तों उत्तराखंड की आप कट ऑफ देखना, शुरुआत में तो वही आपको 100% दिखाई देगी, लेकिन धीरे धीरे कट ऑफ थोड़ा कम गया है दोस्तों उत्तराखंड का, देख लिए आप 98, ठीक है, 97 पर भी हो गया है उत्तराखंड से, इधर आप देखिए 93.1 एसटी कैटेगरी का अभ्यर्थी है, इसको जो है पहली लिस्ट हासिल हुई है। तो उत्तराखंड से भी कट ऑफ इतना ज़्यादा हाई नहीं है वैसे, देखिए 91.2 पर एसटी मेल अभ्यर्थी का हो चुका है, ठीक है, तो उत्तराखंड से इतना ज़्यादा नहीं है, 95 पर भी हुआ है, 89 पर हुआ है, दो देखिए दोस्तों ये 89 है एसटी कैटेगरी है, तो उत्तराखंड से भी इतना ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं है बजाय बाकी राज्यों के। ये महाराष्ट्र की कट ऑफ है दोस्तों, और महाराष्ट्र की कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं गई है, ठीक है, 88 पर एसटी को मिल गया है, तो महाराष्ट्र की तो बहुत लो कट ऑफ गया है दोस्तों, ज़्यादा हाई नहीं मान सकते आप इसे, 95-93 महाराष्ट्र की कट ऑफ इतनी हाई नहीं गई है, 85 पर भी कहीं ना कहीं महाराष्ट्र से सिलेक्शन हो गया है दोस्तों। अब एक और इम्पोर्टेंट बातें बता देता हूँ, जिनका भी इन सभी लिस्टों में नाम है आपको सबसे ऊपर ही ऊपर की साइड एक चीज़ पर गौर करना चाहिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको 21 मार्च से पहले पहले पहुंचना है, और कहाँ जाना है ये सब आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्थल है,
आपको पहुंचना है, आपको दिखाई दे रहा है डॉक्यूमेंट्स टू बी वेरीफाइड विथ, तो ये नासिक डिवीज़न महाराष्ट्र से फीमेल अभ्यर्थी है, इसको कहीं ना कहीं यहाँ पर डीबी करवाने जाना है। तो डीबी के लिए चाहे आप किसी भी राज्य के अभ्यर्थी हो, 21 मार्च से पहले पहले आपको डीबी के लिए पहुँचना है, ठीक है भैया जी। बाकी सभी राज्यों की लिस्ट आप देख सकते हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर सभी राज्यों की पीडीएफ डाल दी है, टेंशन ना करें जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो, बाकी लिस्ट का वेट कीजिएगा। बाकी जिसका सिलेक्शन हो गया है बहुत बहुत बधाई आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप कहीं ना कहीं आगे बढ़िएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से कराना, बेस्ट ऑफ लक आपको, ठीक है भैया जी।